फोर्थ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट जिससे मैं ऑब्सेस्ड हूँ, जिससे शेड में मिलेगा रेड। कोई भी केक ले लो, कोई भी ले लगा, ब्लैक फॉरेस्ट चलेगा। ब्लैक फॉरेस्ट, अरे ब्लैक फॉरेस्ट, हाँ ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर प्रीति स्कार्स। सेइंग दिस आफ्टर सो लॉन्ग, आई एम सॉरी कि मैं ऐसे गायब हो गई बीच में, बट आई लेट यू नो व्हाई मैं गायब हो गई, बट नॉट इन दिस वीडियो, अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूज पर्पल हॉल। वेल आई एम लुकिंग टुडे बट माय हेयर आर इरिटेटिंग मी, सो चलो मैं बाल बांध ही लूँ। क्या बांधूँ, पोनी बांधूँ, ब्रेड बांधूँ, ब्रेड्स, आई थिंक ब्रेड्स विल बी डूइंग द फाइन जॉब। ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील इन दिस लुक जो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो सब जाके देख लेना। और प्लीज़ आई डोंट नो मेरी आवाज़ अचानक से कैसे ख़राब हो गई, उसके लिए भी जस्ट बेयर विथ मी, आई कांट से एनीथिंग एल्स। ओके सो नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। ये मेरा पर्पल का ऑर्डर है, काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑर्डर किया है, मतलब इस बार थोड़ा स्किन केयर है, हेयर केयर है एंड मेकअप है। कुछ चीज़ें मैं इसमें से ट्राई कर रही हूँ, कुछ अभी भी मैंने ट्राई नहीं किए हैं, एकदम ही नहीं है, तो वो आज ही हम देखेंगे, अनबॉक्स करेंगे और जानेंगे क्या है वो सारे प्रोडक्ट्स। ऑल्सो आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये थोड़े मैंने दशहरा के सेल से लिए थे पर्पल से, और थोड़े दिवाली के सेल से, तो प्राइस कम था तभी इसलिए ले लिया। अभी जब सेल आएगी ना, अभी लाइक क्रिसमस की, क्रिसमस समझ गया ना, तो उसमें आप लोग भी ऑर्डर करके ले लेना। ओके सो द वेरी फर्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट इज दिस, वाओ उल्टा ये दिखा रही हूँ, एकदम दिमाग से ही बैल होती हूँ। दिस सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश, आई होप यू गाइस कैन एबल टू सी द प्रोडक्ट एंड इट्स विजिबल। तो ये प्रोडक्ट I am obsessed with it. I just love it. The best thing about is that कि ये अफोर्डेबल है, फिर सारे स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, एक्नी प्रोन स्किन, ऑयली स्किन, सब के लिए एक फेस वॉश। और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, अल्कोहल नहीं है, विच इज़ द बेस्ट थिंग, एंड आई जस्ट लव इट। इस ये ना यूज़ करोगे ना, तो आपका जो फेस है ना, एकदम अच्छे से क्लीन कर देगा। पहली बात तो आपके फेस को एक इंस्टेंट ग्लो आएगा, हेल्दियर लगेगा आपका फेस, तो जस्ट गो फॉर इट गाइस। बेस्ट थिंग इज दैट मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो जाओ और लो। सेकेंड प्रोडक्ट इज माई फेवरेट, मेरा क्या सबका ही होगा, पूरी दुनिया में आई थिंक सबका होगा, दिस इज द, मैं क्यों सबको उल्टा दिखा रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या, हूँ मैं पागल। सो दिस इज मुल्तानी मिट्टी पाउडर, कैन यू गाइज एबल टू सी दैट, आई होप यू आर लविंग दिस प्रोडक्ट, आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड बचपन से ही, ऑब्सेस्ड से ज़्यादा तो मेरे को प्यार है, पसंद है, बट आई जस्ट लव दिस। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी तारीफ वारीफ करने की ज़रूरत है, बिकॉज एवरीबडी नो अबाउट इट व्हाट मैजिक मुल्तानी मिट्टी डस टू योर हेयर एंड स्किन। स्टिल जिनको नहीं पता, आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज, तो मुल्तानी मिट्टी इज फॉर ऑल स्किन टाइप, सब लोग यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इफ यू आर फेसिंग एनी इशूज इन योर स्किन, इन योर हेयर, जस्ट यूज़ इट। तो आप बहुत सारे डी आई वाई फेस मास्क बना सकते हो, हेयर मास्क बना सकते हो, स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है, एक्सपोलिएट करता है, हेल्दी लुक आता है आपकी स्किन में। और हेयर में अगर आपके कुछ इश्यूज लाइक ड्राई है, तो सॉफ्ट करेगा ये, फिर आपकी हेयर के स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करेगा, और आपको नेचुरली स्ट्रेट हेयर देगा।
विच एवरीबडी नीड्स. तो हम लोग क्या स्ट्रेटनर वगैरह यूज करते हैं नेचुरल स्ट्रेट हेयर के लिए, उससे अच्छा भैया ये यूज़ कर लो, फ्री में मिल जाएंगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा. एंड यू नो इट्स द अफोर्डेबल, 72 रुपीज़ का मिला है भाई. इतनी खुश हो गई ना मैं जब मैंने सेल में इसको 72 में देखा. आई वॉज लाइक आई एम गेटिंग दिस, आई वॉन्ट इट. सो मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज एंड बिगनर्स. सो गो एंड बाय इट गाइज. एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज अल्फ गुडनेस नीम पाउडर. आई हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस पाउडर, तो मैंने सोचा मैं ले ही लेती हूँ. तो मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, आई जस्ट डोंट नो व्हाई. सो ये सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस पाउडर की, ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, विच इज़ द बेस्ट थिंग. और नीम पाउडर इज़ द बेस्ट फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर द बॉडी केयर. लाइक कितने सारे वेज में आप यूज़ कर सकते हो, DIY हेयर मास्क बना सकते हो, बॉडी के लिए ओपन बना सकते हो, फिर हेयर मास्क बना सकते हो, इसका लगाओ बना के. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल और एक्ने इश्यूज है, रेडनेस है, इरिटेशन है, इचिंग हो रही है, लगाओ ये. सेम गोज विथ योर स्कैल्प, इफ़ यू हैव द डैंड्रफ इशू, योर स्कैल्प इज इची, यू गेटिंग इरिटेटेड बाय इट, नेचुरल स्ट्रेट हेयर चाहिए, जस्ट गो एंड buy this and apply it and then come and tell me in the comment that it worked out for you. And iska bhi price bahut affordable tha, 71 rupees ka. Sab affordable hi la rahi hu yaar main tum log ke liye. At least thoda pyar dikhao is video ko. Okay, so the fourth product jo mujhe bahut time se chahiye tha. एक्चुअली मैं पहले भी यूज़ की हूँ, बट नॉट दिस ब्रांड का, दूसरे ब्रांड का. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई बॉट इट. एंड इट्स दिस, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है गाइस, सो नाउ इट्स फोकसिंग. दिस कैरमेसी का फेशियल और आईब्रो का रेजर मैंने लिया है, द बेस्ट थिंग आई डिड. और मैंने आज ही इसको यूज़ भी किया, यू कैन सी नो हेयर्स ऑन माई फेस. बट मैंने इसे फेशियल हेयर का रेजर ही यूज़ किया है, नॉट द आईब्रो वन. जब मैं आईब्रोज का करूँगी तब मैं वीडियो बनाऊँगी और मैं फेशियल का भी बनाऊँगी वीडियो. और मुझे ये बोलना था कि ये स्टेनलेस स्टील है और इसको दिखाती हूँ. अदर टू ब्लेड्स, पहला वाला ये जो है ये इसका ना ब्रॉड है ये ब्लेड, ये है फेशियल के लिए और इसका नैरो है तो ये है आईब्रो के लिए. और मैंने आज ही यूज़ किया है, बहुत अच्छा वर्क करता है, पेनलेस है, इंस्टेंटली आपके बाल फेशियल हेयर जो है ना निकाल देता है. सो 10/10 फॉर इट एंड द प्राइस इज प्रिटी अफोर्डेबल, 159 का मुझे मिला था सेल में. टू ऑल द गर्ल्स हु आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंज, जैसे कि मैं मुझे भी बहुत हार्मोनल चेंज का इश्यूज़ है, तो पीरियड्स का इशू है, उसकी वजह से ना मुझे फेशियल हेयर्स काफ़ी हो जाते हैं, तो फिर मैं ये रेज़र यूज़ कर लेती हूँ उसके लिए, विच इज़ द बेस्ट थिंग. सो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट गाइज. लुक, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी कि जिसको यूज़ करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो, इट्स टोटली अपॉन यू. लाइक मुझे नहीं पर्सनली पसंद है फेशियल हेयर, दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट. बाकी इट्स ऑन यू, इफ़ यू कैन मैनेज इट देन यू डोंट नीड टू यूज दिस. बट हाँ, मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ रेजर, तो मुझे कोई बैड इफेक्ट तो नहीं दिखा है, उल्टा इट्स गुड. पता है जब आपकी डेड स्किन वगैरह भी साथ में निकल आते हैं, जितनी भी फेस की गंदगी वगैरह है, तो एक बार एक रेजर चलाओगे ना, यू विल गेट हेल्दी clear your skin, that I really now like. Now it's time about makeup product, and the first makeup product we have is this. सबको पता है, बहुत famous भी है ये product, Lakme 95 iconic eyeliner black instant. और सबसे बढ़िया बात, मैंने आज ही इसका उद्घाटन किया है, मेरी नैन तो देख ही सकते हैं सबके सब.
इट्स लुकिंग प्रीटी राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना लंबा लाइनर नहीं लगाया है और इस वाले से ही लगाया. एंड आई एम सरप्राइज दैट इट टर्न आउट सो गुड. द बेस्ट थिंग इज दैट यू नो एवरीथिंग इज बेस्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट, बट ये ना इंस्टेंटली सूख गया लगाने के बाद. तो मैं कैसा स्मज वगैरह करते हो तो कैसा ख़राब हो जाता है, मैंने इतना स्मज किया है लिटरली और मेरी आई में कुछ भी ख़राब नहीं हुआ. आई लाइनर इट्स जस्ट जहाँ है वैसा का वैसा ही है. दैट्स द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट. और इसमें ना एक मिनट में बताती हूँ क्या अच्छाई है, ज़रूर बतानी चाहिए. तो इसकी जो टिप है ना थिन, इन्होंने बहुत थिन टिप दी है जिससे ना आयर कितना भी बड़ा बनाओ, चांद तक बना दो भैया, बहुत ऑसम बनेगा. तो जितने भी बिगिनर्स हैं मैं उनको बोलूँगी प्लीज़ गो एंड बाय दिस. और लैक्मे का तो आपको पता ही है कि सारे प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं. मैं बचपन से भी लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, सो मेरे को एक बार वापस से यूज़ करना था, परचेस करना था. सो आई जस्ट बॉट इट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड इट्स प्रीटी अफोर्डेबल. ये चार शेड्स में अवेलेबल है जहाँ तक मुझे याद है. मैं जब देख रही थी तो चार शीट्स था इसका और प्राइस मुझे 167 रुपीस में मिला है सेल में. बल्ले 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 सस्ता मिल गया गाइस, उसकी खुशी ना मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ. सेकेंड मेकअप प्रोडक्ट फॉर विच आई एम प्री मच एक्साइटेड क्योंकि उसका उद्घाटन भी मैंने आज ही किया है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. कैमरा को क्या हो जा रहा है, मर जा रहे हो क्या भैया तुम? ओके गाइस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इनसाइट का HD कंसीलर, हाई डेफिनेशन कंसीलर है जो कि मैंने आज ही यूज़ किया एंड मैं फ़ैन हो गई भाई. द रीज़न आई एम टेलिंग वाई कि मैं फ़ैन हो गई क्योंकि मैं फ़ैन हो गई हूँ लिटरली एंड रियल. ये तो ये जो स्पेशल प्रोडक्ट है आई थिंक सो, क्योंकि ये मुझे सेल पे नहीं मिला था, इसका मैंने पूरा पैसा भरा है. तो ये भी अफोर्डेबल है, 215 रुपीस का मिला मुझे ये. और इसका टेक्सचर ना बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छा है, लाइक अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिल्डेबल कवरेज देता है. एंड आई थिंक 8 शेड्स में अवेलेबल है जो कि कंसीलर और कलर करेक्टर को मिला के है. एंड द गुड थिंग इज़ दैट आई एम सेइंग व्हाई आई एम द फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज क्योंकि इसके पहले मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती थी विच इज़ ऑल्सो अ फैब्यूलस कंसीलर. बट स्विस ब्यूटी का जो शेड था ना वो मैं लगाती थी ना तो वो लाइक उठ के आता था, थोड़ा सा लगता था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लिया है या फिर उसका शेड ही कुछ ऐसा है, लाइक आई डोंट नो व्हाई. बट जब मैं ये खरीद रही थी तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि ये मेरे स्किन टोन से एकदम मैचिंग होगा. लाइक जब आपको मैं वीडियो में दिख जाएगा वो यूट्यूब शॉर्ट्स डालूंगी उसमें मैंने यूज़ किया है, जब मैं ये लगा रही हूँ ना आई एम इट सेल्फ शॉक कि ये मेरे स्किन टोन से इतना परफेक्टली मैच कैसे हो सकता है. लाइक इतना परफेक्ट मैच ना मेरे को आज तक कोई प्रोडक्ट का नहीं मिला, नॉट इवन द फाउंडेशन. सो दिस वॉज द क्लोजेस्ट match to my skin, that's why I'm the fan of this product. तो जिसकी भी neutral या medium skin tone है ना उस पर ये best shoot होगा, तो जाओ और लो भाई लो, best है. The third product है ना वो बहुत ही अभी trend में चल रहा है तो मेरे को भी चाहिए था तो मैंने ले लिया. बट मैंने इसके पहले भी लिया था बट वो मुझे टूट गया था तो उस पूरा बिखर के ख़राब हो गया वो, तो that's why repurchase करना पड़ा मुझे. But I love this product and that is What the hell यार, मेरा कैमरा ही नहीं काम कर रहा है. स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस, आई जस्ट लव दिस लिप ग्लॉस, मतलब द बेस्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अफोर्डेबल है, 187 रुपीस का मिला मुझे सेल में. और इसका टेक्सचर इतना अच्छा, एकदम स्मूथली अप्लाई हो जाता है लिप्स पे, एकदम शाइनी ग्लॉसी लिप्स देता है और एकदम आपके लिप्स को बोल्ड फुलर एंड हेल्दियर लुक देता है. तो जिसके भी छोटे छोटे लिप्स हैं ना प्लीज़ गो फॉर इट. मेरे तो फिर भी थोड़े छोटे नहीं है, मीडियम है, तो इट लुक्स गुड इवन ऑन माई स्किन. तो जिसके छोटे होंगे उस पर तो और ही अच्छा लगेगा.
तो जिसके फुलर लिप्स होंगे जस्ट लाइक मी उस पर बहुत ही ऑसम लगेगा. तो सो जस्ट गो एंड बाय दिस. लाइक मुझे ना ये लिप ग्लॉस लगाने के बाद ना 19 वाली फील्स आती है, लाइक पहले की हीरोइन लोग कैसे लिप ग्लॉस एंड ऑल लगाती थी वैसा. बहुत मस्त प्रोडक्ट है भाई, मस्ट है. द फोर्थ प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड दैट्स अ लिपस्टिक एंड इट्स मेबेलिन लिपस्टिक, जो कि मैंने दो खरीदी है, एक मेरी मम्मी के लिए और एक मेरे लिए. एंड ये लिपस्टिक मुझे काफ़ी पसंद है. और I am just in love with this lipstick. I am obsessed with this shade, जो कि मैंने अभी यूज़ किया. ये तो मैंने कुछ 3-4 घंटे पहले लगाया, still it's staying. हाँ अभी तक है, मतलब बढ़िया लिपस्टिक है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है. 230 रुपीज़ की मिली मुझे एक लिपस्टिक सेल में, अदरवाइज थोड़ी महंगी है ये. तो 30 रुपीज़ की मिली मुझे ये सेल में एक लिपस्टिक, तो दोनों भी 230 मिला लो, कितनी होगी 460 रुपीज़ में दो लिपस्टिक मिली मुझे. और ये जो मैंने लगाया है ना, इसका शेड है 695 डिवाइन वाइन. मैं शेड भी दिखा देती हूँ अगर फोकस करे कैमरा तो. हाँ कर रहा है. तो ये है शेड और ये क्रीमी मैट लिपस्टिक है. पहले लगाओगे तो क्रीम क्रीम लगेगा, बाद में ये मैट हो जाता है. प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये गलती से मेरे पास आ गया है. गलती से मीन्स मैं मस्कारा ख़रीदने वाली थी लैक्मे का या फिर कोई अदर ब्रांड का, आई थिंक पर्पल या NYP का, और मुझे नहीं पता लाइक लिटरली, मतलब मैं अंधी वंधी हो गई थी शॉपिंग करते टाइम पे. आई डोंट नो हाउ आई एडेड अगेन आईलाइनर इन माय कार्ट. कैसे, मतलब मैं समझ गई, अब मेकअप वेकअप की बात आती है ना शॉपिंग वॉपिंग की, तो मैं अंधी हो जाती हूँ भाई, कुछ भी उठा लेती हूँ. पर कोई बात नहीं, मैं इसको यूज़ कर लूँगी. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट. दिस इज़ NYBABE की आईलाइनर है, विच इज़ छोटू सी एंड क्यूट सी है जो मैं दिखाती हूँ. मैं फ्यूचर में तो पक्का यूज़ करने वाली हूँ, आई नो इट. भले ही मेरे पास गलती से मैंने परचेस कर ली तो क्या होगा गाइस. दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट फोकसिंग. या तो ये एकदम छोटू सा आईलाइनर है, छोटू सा NYBABE का आईलाइनर, सो छोटू एंड क्यूट. अफोर्डेबल है, 65 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो कि बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. और ये बहुत क्विकली सूख जाता है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है. सो इफ़ यू आर बिगनर्स एंड तुमको अफोर्डेबल चाहिए कोई आईलाइनर, तो तुम ये यूज़ कर सकते हो. बहुत टाइम से मुझे ये 6th प्रोडक्ट लेना था और ये बहुत ट्रेंडिंग है, वायरल ही चल रहा है. सो आई थॉट ऑफ bringing this NYBABE का चेरी ऑरेंज कलर का ब्लश, जो कि मैंने अभी ओपन नहीं किया है. मैं इसका एक रिव्यू वीडियो बहुत अच्छा करूँगी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो स्टे ट्यून्ड उसको देखने के लिए. तो अभी तो मैं ओपन नहीं करूँगी. और ये 8 या 6 शेड्स में अवेलेबल है एंड लाइट वेट है, कम्फर्टेबल ऑन स्किन है. 8 आवर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो. सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मेरे घर पे एक पैरोट है, उसकी आवाज़ है ये. शांति वाह. प्रीटी मच अफोर्डेबल एंड मैंने देखा है बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया एंड अच्छा ही रिव्यू है. तो 179 रुपीज़ का मिला मुझे सेल में, सो दैट्स व्हाई आई बॉट इट. ओके, सो द 7th प्रोडक्ट इज़ अगेन अ मेबेलिन लिपस्टिक, जो मैंने अपने मॉम के लिए ली थी, विच इज़ दिस. एंड ये थोड़ी ना पिंकिश वाले शेड में आती है, डार्क पिंक में. चलो मैं लगा के दिखाती हूँ यहाँ पे मेरे हैंड में, हाथ में. ओके, दिस इज द शेड ऑफ दिस लिपस्टिक.
क्या तुमको भी लिपस्टिक लगानी है? आ जाओ इधर ही. तो ये शेड है इसका, और इसका प्राइस भी 230 है. और ये ना तीन अलग अलग शेड्स एंड वैरायटीज में आती है, लाइक रेड एंड मैरून हो गया, फिर पिंक एंड प्लम्प हो गया, न्यूड्स एंड ब्राउन हो गया. तो उस सब में आती है ये लिपस्टिक. दिस इज़ द 8th प्रोडक्ट और ये लास्ट प्रोडक्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है. अगर ये मेकअप में नहीं है तो आपका मेकअप लगाने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आपका मेकअप स्टे ही नहीं करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेकअप सेटिंग स्प्रे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेकअप फिक्सर. तो लेट मी शो यू गाइस. सो मैंने NYBAE का मेकअप फिक्सर लिया है, मेकअप सेटिंग स्प्रे, एंड दिस इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. और ये मैट फिनिश देता है. ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट से बना है ये, और इसका स्मेल वो OMG, आई लव इट. एंड इट हाइड्रेट योर फेस एंड प्राइमर का भी काम करता है. सो हु ऑल आर हैव द ऑयली स्किन, प्लीज़ गो फॉर दिस. 174 पीस का, प्रिटी अफोर्डेबल. ये मेरे पास पहले से भी था, बट द थिंग वाज दैट कि वो ख़त्म हो गया था तो मेरे को रीस्टॉक करना था. सो आई जस्ट रीपर्चेस्ड इट एंड इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट. जस्ट गो एंड बाय. सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. एंड स्प्रेड सम लव, पीस एंड हैप्पीनेस. आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बट थोड़ा ये वीडियो में कमेंट में जाओ, मुझे बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, थोड़ा प्यार दिखाइए इस वीडियो को, और थोड़ा बताइए कि कैसी वीडियोस आप लोग देखना पसंद करेंगे. यू वांट टू वॉच अ व्लॉग और यू वांट टू वॉच अ मेकअप लुक और एनीथिंग, जस्ट टेल मी, आई मेक अ वीडियो फॉर यू. सो टिल देन, बाय बाय.